हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जयकिशोर शर्मा और आप देख रहे हैं ऑडियो बोडॉल यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल पर दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों बहुत भाइयों का कमेंट आ रहा था कि भाई हमें एक करोके म्यूजिक बोर्ड को ना 2.1 होम थिएटर में अटैच करके दिखाइए, ठीक है, उसको वायरिंग करके दिखाइए। तो दोस्तों हमने कुछ इस तरीके से हमने सेटअप किया है इसको, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ आउटपुट पे RL आउटपुट जो होता है हमारा दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके साथ में हमारा ये बॉक्स का वीडियो आप नहीं देखे हुए तो हमारा आपको स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा इसका वीडियो, कैसे बनाया है इसको आप देख सकते हैं, आप सीख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इसको एक सेटअप बना लीजिए, करोके म्यूजिक बोर्ड जो आप देख रहे हैं हमारे चैनल पर, जिस वीडियो में आप जाकर हमको कमेंट कर रहे हैं वही बोर्ड का ये सिस्टम है दोस्तों। इसका वीडियो नहीं देखा जाएगा तो मैं आपको स्क्रीन में दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो दोस्तों इसको आप सेटअप कर लेते हैं तो इसको छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा किसी भी एम्पलीफायर के साथ अटैच कर सकते हैं। आप बोल रहे हैं 2.1 और कोई बोल रहा है 5.1 में हमको कनेक्ट करके दिखाइए, तो दोस्तों हमारे पास ये 2.1 होम थिएटर है, इसके साथ अटैच करूंगा, इसी के साथ मैं आपको इसका साउंड टेस्ट करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए क्या है, ये सेटअप आप कर लेते हैं ना तो इसका जो आउटपुट है दोस्तों यहाँ पे RCC सॉकेट जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से आप सिर्फ दो कनेक्टर लगाइए RCC सॉकेट में और इसको कहीं भी जाके किसी भी एम्पलीफायर में, अब बड़ा हो या छोटा एम्पलीफायर हो या होम थिएटर कोई भी हो, वहाँ के ऑक्स मोड में इसको सेट करके होम थिएटर को अब उस जगह पर इसको आप इनपुट दे सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हमने इनपुट दिया है, ठीक है। और एक यहाँ पर हमको एक ही स्पीकर हमने यहाँ पे यूज किया, जैसे दोस्तों टावर स्पीकर जो होता है दोस्तों हमने एक ही स्पीकर इसमें यूज किया है, इसमें डबल होता है आउटपुट, ठीक है, और एक सब बूफर इसके अंदर ही रहता है, ठीक है। तो इसका हम फ्रंट में आपको दिखाता हूँ, इसको ऑन करके आपको हम साउंड टेस्ट भी करके दिखाएंगे, ठीक है। जैसे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ये हमारा होम थिएटर है, ठीक है, इसको हम ऑन करते हैं, देख लीजिए, ये देखिए AX मोड। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा ऑन हो चुका है और ये ऑक्स मोड पे है, ठीक है। ऑक्स मोड पे जब है ये दोस्तों तो इसको हम इसी समय में इसको हम इनपुट देंगे, ठीक है, इसका ब्लूटूथ हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है, इसको ऑक्स मोड पे रख के हम इसको इनपुट यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। तो ये हम इस यहाँ से जो सेट हमने बनाया है दोस्तों करोके म्यूजिक बोर्ड का, यहाँ से हमने इनपुट दिया है, ठीक है। इसका भी हमारा कनेक्शन हमारा करेंट से हो चुका है, ठीक है दोस्तों। अभी आप देख सकते हैं दोस्तों इसको भी हम ऑन करने जा रहे हैं, देखिए उधर देख सकते हैं ये अभी ऑन हो गया है, ठीक है। और यहाँ से हमारा माइक भी अटैच हो चुका है, माइक का साउंड आपको मैं सुना के दिखाऊंगा, देखिए ये वायरलेस है लेकिन मैंने इसमें वायरलेस नहीं लगाया हूँ, इसका बैटरी खत्म होने की वजह से मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पर इनपुट किया हूँ, ठीक है। अभी इसको हम साउंड बढ़ाएंगे थोड़ा सा, दोस्तों देख सकते हो इसका वायर दोस्तों थोड़ा बीच में रखा है इसलिए थोड़ा नॉइज आ रहा है, ठीक है, बाकी इसमें कोई नॉइज नहीं है, आप सुन सकते हैं, मैं इसी से बोल रहा हूँ, ठीक है। अब इसको चाहे तो म्यूजिक के साथ गाना भी गा सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे ही आप म्यूजिक भी चला सकते हैं या फिर चाहिए तो आप माइक भी यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों इसी में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, इसको ऑफ करता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके का कुछ सेटअप है, इसको आप जो यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। इसको कैसे किया हूँ आप कमेंट करेंगे तो इसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए और आप भी अपना घर पे सेटअप कर सके, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ में मैं आपको हम म्यूजिक मैंने बजा के नहीं दिखाया हूँ पर अब इसमें ब्लूटूथ भी इनबिल्ट है, इसमें इसके साथ में ब्लूटूथ भी इनबिल्ट है, यहाँ ब्लूटूथ से आप डायरेक्ट मोबाइल से आप कनेक्ट कर लीजिए, म्यूजिक बजाइए और ये माइक को है आपसे कनेक्ट करके आप सॉन्ग भी गा सकते हैं, मतलब इस तरीके का ये यूज होता है, बहुत ही वर्कफुल है दोस्तों ये, ठीक है। तो जल्दी दोस्तों इस तरह से आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों, कमेंट कीजिए, आपके कमेंट के ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और बहुत भैया का कमेंट आया हुआ है जो मैं देख नहीं पाया, अगर तो मिस हो गया मेरे से तो प्लीज आप फिर से कमेंट कीजिए इसी वीडियो में कर दीजिए, मैं आपका कमेंट के ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहूंगा, बाय बाय दोस्तों।